इस तरह है कि पंजाब दे विच फिरकू बाहरलियां ताकतां हर हथकंडा अपना रही ने और एक डायलॉग मैं अज छाती ठोक के सच दा मारिया के बीजेपी नू पांच साल ते इत्थे देखिया नहीं ना किसे वड्डे लीडर नू ना ही किसे ने निकलन दिता ते हुण जे आए ने ते ईडी दे हाथ लैके आए ने एजेंसियां दे हाथ लैके आए ने बाम रोड़न वाले हाथ लैके आए ने ताकत लैके आए ने एक मिनट ताकत लैके आए ने ओ ताकत जिहदे नाल ए एको ही गल कह रहे ने जिन्हां बंदियां ने थोड़ी मोटी भी चोरी कीती है ते इत्थे ते माफिया ही राज करदा रहा ते उन्हां नू कह रहे ने कि जलंधर ऑफिस खोलिया असी या ते करांगे अंदर नहीं ते चुप करके आ जाओ जलंधर समझदे हो और ये हो रहा फिर उन्हां तो ही स्टेटमेंटां दवाईआं जांदियां जिन्हां दे खिलाफ हजार दो हजार करोड़ एक एक हजार करोड़ फिर उन्होंने कले किया जाता उन्होंने कोई कसूर नहीं लेकिन उन्होंने चुनना पऊ कि वह पंजाब दे वल ने या बाम रोड़ के आपदे निजी मुफाद सैटल करने वाले दे नाल ने पहला भी 78 एमएलए सी कांग्रेस दे कोल लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का ही मुख्यमंत्री ईडी का सी ईडी दे तोते बन गए चूरी पैंदी है ते जड़ा चूरी पान दा बाम रोड़ के उसे दी आवाज बोलदे आ सिद्धू जड़े कच्चे मुलाजम रौला पा रहे ने मैं उन्हां दे पूरी तरह नाल आ मैं सब तो वध आवाज ही उन्हां दी चुकी अज भी मैं उन्हां दी आवाज चुकी है या ते माफिए दीआं जेबां दे विच पैसा जाएगा और निजी जेबां नूं मुफाद होएगा फायदा होएगा ते या फिर उन्हां निजी जेबां दे विचों कढ के पंजाब मॉडल यह पंजाब दे खजाने च लाएगा सेंटर दीआं स्कीमां दे विच इहनूं दुगणा करके इन्हां बच्चियां दे भविख बनाएगा मैं पहला भी कह चुके हां कि जे सरप्लस मनी हुंदी 1000 करोड़ रुपया अज पंजाब दे कोल ते इन्हां चों कोई टीचर सड़कां ते नहीं होणा सी ते जे 3-4 हजार करोड़ रुपया सरप्लस जिवें केजरीवाल कोल 2002 च शीला दीक्षित जी एक सरप्लस स्टेट छड्ड के गईआं सी उसे तरह जे साडे कोल होवे ते एक गल अज लिख लो कि एक भी धरना पंजाब दीआं सड़कां दे उत्ते नहीं होएगा ये परिस्थिति कोई ज्यादा चंगी नहीं होने जा रही जून च अगले साल जून दे विच जड़ा सानू गरंटी आउंदी सी कॉम्पनसेशन दी जीएसटी दी कॉम्पनसेशन दी वो 18000 करोड़ रुपया पर साल बंद हो जाएगी वो बंद होने दे नाल जड़ा असी डीजल ते पेट्रोल दे उत्ते 10 रुपये घट रेट कीता है ਉਹਦਾ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਧੇਗਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖਰਚੇ 1,40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਦ ਹੈ ਤੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬੋਝ ਪਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੜਨਾ ਐਤਕੀ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਮਾਟਰ 3 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 25 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 65 ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਪਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ
जो होना चाहिए वह कोआपरेटिव तो अमूल देखो कोआपरेटिव है, अमूल के नाल वेरके च कोआपरेटिव है, छोटा होवे वड्डा होवे जदों वह मार्केट के जाएगा तो तय अपनी चीज की कीमत वह आप करेगा। फिर दूजी चीज आती है कोल्ड स्टोरेज, जे कोल्ड स्टोरेज हो किसान भाई 60 रुपये क्यों ना बेचे, विचोला क्यों खटे, विचोला का ब्याह हो छित्र ही पेंदे है, लेकिन इतने विचोला मौज करता है, इतने किसान की मेहनत विचोला है। कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के जे उन्होंने घट पैसे मिलते हैं सरकार देगी, तो जड़ा भी कणक के झोना तुम वेयर हाउसिंग कारपोरेशन रखोगे थोनू 80% ओदा ही गवर्नमेंट देगी और बाकी तुसी जद मर्जी अपनी फसल वेचो। ये सारिया चीजा ओदे नाल ऑयल सीड्स दे उत्ते जिहड़े 75,000 करोड़ दे इंपोर्ट हुंदे। वेखो मेरी एक गल नूं सुनो, ये साडे परिवार दे मैंबर ने, इहनां नूं कोई अहमियत वाला रोल मिलना ही मिलना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं तुहानूं कह रहा कि जिहड़ा बंदा इन्ने ओपोजिशन दे बावजूद अपने लोकां दे विच खड़ा रहा है ओनू असी सम्मान देंगे, ते जिन्हों पार्टी ने इना कुछ दिता ते ईडी ने जे वाह मरोड़ी वो चां चां करता उन्हों को चले जाता है जरा कहते करांगे अंदर नहीं तो चलो जलंधर, समझो नहीं देखने वाली गल है, पंजाब के लोगों सोचने वाली गल है, पंजाब के किसान सोचने वाली गल है। इस टाइम परिवर्तन के कंडे दे विच खड़ा लोग इस टाइम पंजाब चेंज आ रहे ने जी, क्योंकि लोग क्यों किरदार आले बंदे ते जिहड़े दूसरे बंदे ने जिन्हां दा बैकग्राउंड सब नूं पता जी, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੜਬੰਨ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, सरपंचा का इलेक्शन नहीं हो रहा नॉमीनेट हो रहे ने सरपंचा के नाल 170 उन्होंने अख्तियार ने उन्होंने राइट्स ने जेडे वह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ते टैक्स भी लेवी कर सकते हैं, 12 अख्तियार वह भी ने, लेकिन वह पंचायत सैकटरी के BDPO के हाथों के खेड रहे ने, उन्होंने वाल उन्होंने मूँह तकना पैंदा है। पंच सरपंचा के अधिकार ये राजीव गांधी जी की सब तो वड्डी विजन सी जिहड़ी नरसिम्हा राव जी ने सोध करके 73rd अमेंडमेंट दे विच लैके आउंदी, और 73rd अमेंडमेंट कहिंदी है कि 170 अख्तियार सरपंचां दे कोल ने, किसे पंचायत सैकटरी दे ओ मोहताज नहीं, किसे दे वल उन्होंने झाकण दी लोड़ नहीं। तुसी इहदे विच जिहदे विच पंजाब मॉडल कांग्रेस दा है, पंजाब मॉडल सोनिया जी दा है, प्रियंका जी का, राहुल गांधी का, हर कांग्रेस वर्कर का। 60% किसान है पंजाब दे विच, उन्हां दे उत्ते आर्थिक ताकत किसे होर दी क्यों होवे, पहली गल, पोलिटिकल ताकत किसे होर दी क्यों होवे, या ते ओ आप पोलिटिकल निर्णय लैन ते या फिर ओ एडी वड्डी ताकत बन के सच हक दे लई कोई पॉलिसी कोई एजेंडा कोई रोड मैप लैके आउण जिहदे नाल किसानी खड़ी होवे। जब तक किसानी दे लई रोड मैप नहीं आऊगा, जब तक किसानी नूं उसारन दे लई असी डाइवर्सिफिकेशन च नहीं जावांगे, सेंटर दी सरकार साजिशां कर रही है। देखो प्रोक्योरमेंट हुंदी सी उसे दे पैसे मिलते सी जट नूं, ग्रीन रेवोल्यूशन भी उसे दा कारण है, अज गरीब जिहड़े 70 करोड़ां नूं सेंटर दी सरकार दिंदी सी उह 40 करोड़ करते, अज FCI मारती, अज डायरेक्ट पैसे अकाउंटां दे विच गरीबां दे पाउण लग गए, और अंबानी और अडानी नूं वो सारे अख्तियार देते। इस करके सेंटर दी सरकार ते सानू मार ही रही है, लेकिन स्टेट दी सरकार की करूगी ये सब तो अहम है। इत्थे ही मैं कहना एक मिनट, इत्थे ही मैं कहना कि भाई दालां दे उत्ते और ऑयल सीड्स दे उत्ते ऐतकी असीं MSP देंगे, 20-20 गुणा कमा सकदे हो अगर तुसीं राइस ब्रैन, कॉर्नफ्लैक्स, वीट ब्रैन, वीट प्रोटीन, ये 20-20 गुणा विकदियां ने। अज इत्थे इहो जिहे किसान ने पंजाब दे विच जिहड़े किले तों 5 लाख रुपया कमाउंदे, 10 लाख रुपया कमाउंदे है, 5-5 किलियां दे विचों 40-40, 50-50 लाख रुपया कमाउंदे है। ये जिहड़ी डाइवर्सिफिकेशन है और ये आधुनिक तकनीक दे नाल खेती की गई है, इहदे बारे कोई एजेंडा जद तक असीं नहीं रखांगे, पंजाब दे लोकां नूं विकल्प नहीं देंगे, तो खेती खड़ी नहीं होनी। भाजी एक तुसीं अपने